नमस्कार, मंगलमय संस्था समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कुछ मुख्य खबरें। हिंदी पढ़ने से बढ़ती हैं मस्तिष्क की शक्तियाँ। वसुंधरा राजे सिंधिया जब पूज्य संत आशाराम जी बापू के सत्संग में आई तो क्या थे उनके उद्गार। मुरली मनोहर जोशी जी के विचार क्या थे संत आशाराम जी बापू के बारे में। माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी जब पूज्य संत आशाराम जी बापू के दर्शन करने के लिए आए तो उनके वक्तव्य क्या थे। अब खबरें विस्तार से। हिंदी पढ़ें, चुस्त दुरुस्त रहेगा दिमाग। जी हाँ, यह कहना है हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों का। यह दावा वैज्ञानिकों ने कुछ छात्रों के समूह पर परीक्षण के बाद किया है। यदि आप अपने मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं तो हिंदी का प्रयोग करिए। देश के वैज्ञानिकों के मुताबिक अंग्रेजी की तुलना में हिंदी भाषा बोलने से मस्तिष्क अधिक चुस्त रहता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर एक अनुसंधान के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी लोगों के लिए मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वे अधिक से अधिक हिंदी की किताबें पढ़ें और उनका सस्वर पठन करें। अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। वैज्ञानिक पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित अनुसंधान में मस्तिष्क विशेषज्ञों का कहना है कि अंग्रेजी पढ़ते समय दिमाग का सिर्फ बायां हिस्सा सक्रिय रहता है, जबकि हिंदी पढ़ते समय मस्तिष्क का दाहिना और बायां दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इससे दिमाग तरोताज़ा रहता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की भविष्य में अन्य भारतीय भाषाओं के प्रभाव पर भी अध्ययन करने की योजना है। अनुसंधान से जुड़ी डॉक्टर नंदिनी सिंह के अनुसार इस अध्ययन के पहले चरण में छात्रों से जोर जोर से अंग्रेजी पढ़ने को कहा गया और फिर हिंदी। इस समूची प्रक्रिया में दिमाग का MRI किया जाता रहा। नंदिनी के अनुसार मस्तिष्क के परीक्षण से पता चलता है कि अंग्रेजी पढ़ते समय छात्रों के दिमाग का सिर्फ बायां हिस्सा सक्रिय था, क्योंकि अंग्रेजी एक लाइन में सीधी पढ़ी जाने वाली भाषा है, इसलिए दिमाग को ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़ती। दूसरी तरफ हिंदी के शब्दों में ऊपर नीचे और दाएं बाएं लगी मात्राओं के कारण दिमाग को इसे पढ़ने में अधिक कसरत करनी पड़ती है, इससे इसका दाहिना हिस्सा भी सक्रिय होता है। इस अनुसंधान पर जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर पारेख का कहना है कि ऐसा संभव है। हिंदी की जिस तरह की वर्णमाला है उससे मस्तिष्क को कई फायदे हैं। परम पूज्य संत आशाराम जी बापू से मार्गदर्शन लेने के लिए कई माननीय मंत्रीगण भी समय समय पर उनका सत्संग सुनने के लिए आते रहते हैं। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कहना है पूज्य संत आशाराम जी बापू के बारे में। लाला लालिया जल्दी बैठो, एक दो अढ़ाई पौने तीन, आउट नहीं होना है। एक दो अढ़ाई पौने तीन और आउट नहीं होना, बैठ जा जल्दी। इंतजार कराया लेकिन माल खूब लाए हैं। आप तो जब भी आओ ना, मैं जयपुर आऊ ना तो ऐसा माल लाया ही करो। नारायण नारायण, भले पधारो। परम पूज्य गुरु जी, आदरणीय हमारे महाराज, सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ महाराज जी, आते आते अगर देर हो गई। मुझे बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और शायद जल्दी आप अपना प्रवचन ख़त्म करेंगे। मेरी कोशिश हुई कि मैं विधानसभा छोड़ के, अभी चली रही है, विधानसभा छोड़ के आपके दर्शन करूं, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूं कि आज जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरा प्रदेश बना है वो ईश्वर की माई की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से बनी। बहुत सारे लोगों ने महाराज मेरे को कई बार कहने की कोशिश करवाई है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के युग के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को, इन परंपराओं को छोड़ के और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को जोड़ने की बात करें। हम सब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, परंतु एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति आप सब हो। जब तक आप हो तब तक हम हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक आप और आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकता। मैं
आपके सामने मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ और बहुत कम मैं समझती हूँ कि ऐसे गुरु संत महात्मा हैं जिनके सामने वाकई में अपन अपने आप को खोल के एक किस्म से बैठ सकते हैं, अपनी अंदर की बात जो है, क्योंकि वो वैसे ही देख सकते हैं, वो उनके सामने रखने में कोई हिचक भी नहीं होती है। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि महाराज जी, जब जिस दिन यहाँ सेवा करने का मौका मिला, उस दिन देवी के पदचरणों को मंदिर के अंदर बसा के हमने उनको यही कहा कि ये राज आपका है, हम सब निमित्त हैं, हम आपके निमित्त इस राज को चलाएंगे, तो इसका फल हमारे लोगों को मिलेगा ही मिल रहा। और जब पूरी जिम्मेदारी देवी संत महात्मा और ईश्वर के ऊपर डाल दिया, तो बताओ 4 साल 4.5 साल में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि नहीं काम हुए कि नहीं हुए। ये तो मैं कहती हूँ कि अगर अकेले किसी मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया होता तो मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता था, परंतु क्योंकि ईश्वर शक्ति है और ईश्वर शक्ति के ऊपर अगर पूरा भरोसा करके अपन छोड़ देते हैं और फिर अपना काम करते हैं, ऐसा भी नहीं कि ईश्वर शक्ति के पे छोड़ के और बड़े आराम करने लगे, परंतु उनके ऊपर छोड़ के अगर अपना काम अपन करते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ उसके इच्छा में जो आई है वो पूरा ना हो। और इसीलिए मेरी इच्छा थी कि राजस्थान प्रथम प्रदेशों के अंदर माना जाए। महाराज जी, गुजरात जैसे प्रदेशों में से आप आते हो तो बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं, हमारा तो छोटा सा प्रदेश था, इसको बीमारू प्रदेश माना करते थे लोग। आप तो इतने दौरे यहाँ कर चुके हो, आप सब जानते हो, और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि 4-4.5 साल के अंदर इसको थोड़ा सा आगे लाने में हम लोग सक्षम रहे हैं, और ये है आपकी शक्ति और आपका आशीर्वाद और ईश्वर की शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद, और इसी पे हम हैं निर्भर। काम में महाराज कोई कोताही नहीं बरतेंगे, आपने हमेशा स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया, जिस तरीके से अम्मा के साथ आपने स्नेह दिया, हमारे परिवार को स्नेह दिया, वैसे ही बेटी स्वरूप आपने मान के और बहुत प्यार दिया। मैं समझती हूँ कि इसीलिए आज मैं खुले दिल से आपको ये कह सकती हूँ कि किसी भी तरीके से आपने जो विश्वास किया और आपने जो आशीर्वाद दिया, उसमें कमी या किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने में या आपको नीचे कभी देखना हमारी वजह से नहीं पड़े। नहीं, हमारी नहीं, पूरी नहीं। इच्छा और पूरा हम कामना, मेरी कामना यही है और मेरी कोशिश भी यही होगी मैम कि ये कभी होना नहीं। और आपका ही नहीं, ये पूरा राज्य हमारा जो है, जिस राज्य के सामने ईश्वर की शक्ति ने और आप सब ने सेवा के भावना से हमको यहाँ रखा है, इनको भी कभी नीचे नहीं देखने देंगे, ये हमारी कोशिश है। इनको सबको परिवार के रूप में माना है और उनको सम्मानित किया है, और 4.5 साल महाराज हमने पूरी तरह से सेवा करने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि मनुष्य तो मनुष्य होता है, गलतियाँ होंगी। अगर कोई भी ऐसा मनुष्य यहाँ बैठा है, मैं भी नहीं हूँ, ऐसा कोई मनुष्य अगर बैठा है जो कह सकता है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मेरी कुर्सी आपकी, मैं नहीं समझती हूँ कि महाराज ऐसा कोई है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हर मनुष्य से होती हैं, परंतु कोशिश हमारी यही है कि आप जैसे संतों के रास्ते पे चलने की कोशिश, अगर कोई गलती की है तो आप जैसे लोग हमें बताते रहेंगे और हम अपने रास्ते को सही करने की कोशिश करते रहेंगे। यही मैं आपके सामने कह सकती हूँ कि आपके सामने छोटे मुंह बड़ी बात की बात है नहीं, नहीं, और सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अपने दिल की भावना है वो आपके सामने रखी है, और आपके दर्शन करने का फिर से मौका मिला। पिछले बार महाराज मिले थे मेरे को जैसलमेर में, मैं दौरे पे थी, वहाँ महाराज भी आए हुए थे और हम लोग अचानक कैसे ही वहाँ मिले। मेरे को किसी ने बताया जैसलमेर में कि आसाराम बाबू महाराज यहीं हैं, मैंने कहा चलो भाई अपन यहाँ मिलेंगे, कैसा लगता है। जयपुर में तो मिलते हैं, झालावाड़ में मिलते हैं, बारा में मिलते हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली में मिलते हैं, और जैसलमेर में मिलने का आपने मुझे सौभाग्य दिया महाराज, और इतने आराम से बैठने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा मैंने एक मौका था, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी महाराज। और आज आपके सामने ये आने का मौका मिला और सबके साथ, मैंने आप
आपके दर्शन करने का मौका और आपके द्वारा इन सब के दर्शन करने का मौका आपने मुझे भी दिया है, इसके लिए मैं आप सबकी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। विधानसभा में कितनी व्यस्तता होती है और फिर भी किसी ने कहा कि बापू जी जल्दी चले जाएंगे, ये वो मिसगाइड करने वालों ने गलती से जिस भाव से भी किया, फिर भी यहाँ पहुंच पाई तो ये खानदानी परंपरा का परिचय है। और ऐसी मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को मिली है, प्रदेशवासी राजस्थानी सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय संस्कृति की गरिमा जानने वाली एक आदर्श देवी मिली है। टेक्नोलॉजी का जमाना है लेकिन बिना आध्यात्मिक शांति के टेक्नोलॉजी पिशाच जगत में ले जाती। 90% लोग अनिद्रा के रोगी हैं अमेरिका में, और 50 लाख कन्याएं 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र की कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती है वैलेंटाइन डे मनाते मनाते। ऐसे मुख्यमंत्री जिन देशों में हैं वो वहीं रहें, हमें तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बार बार चाहिए जिसे भारतीय संस्कृति की गरिमा लोगों तक पहुंचती रहे। नारायण नारायण नारायण। और सुनो, मेरे गुरु जी ने मेरे को गुलाब का फूल दिखाया, अब इसको आप दुकान में ले जाओ, दुनिया भर की चीजों पर रखो, फिर सूंघोगी तो क्या सुगंध आएगी। तो मैं कहता हूं आप गुलाब होकर महको, आपको जमाना जाने। पुराने समय में राजा महाराजा संतों एवं शास्त्रों का मार्गदर्शन पाकर देश की बागडोर को संभालते थे और जनता में खुशहाली और देश में समृद्धि रहती थी। आज भी संत आशाराम जी बापू जैसे संत भारत देश में मौजूद हैं। क्या कहना है मुरली मनोहर जोशी का परम पूज्य संत आशाराम जी बापू के बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। आध्यात्मिक शक्ति के जाज्वल्यमान प्रतीक संत शिरोमणि बापू और इस सत्संग में उपस्थित धर्मपरायण देवियों और सज्जनों, आज के इस कथामृत के श्रवण से पवित्र हुए आप सब लोग बापू के प्रसाद से आह्लादित और आध्यात्मिक सुख से परिपूर्ण है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। विश्व के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। कुछ देश व्यावसायिक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें व्यवसाय प्रिय है। कुछ देश दूसरों का साम्राज्य हड़पने की प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, उन्हें अनेक देशों पर राज्य करने की प्रवृत्ति, उनकी भूमि को हड़पने की प्रवृत्ति उनमें प्रकट होती है। भारत में आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण हुआ है। हमारी हर क्रियाकलाप में आध्यात्मिक तत्व ही मौजूद है। हमारे देश में जब भी कभी अंधकार की थोड़ी बहुत भी छाया आई तो उस समय आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तियों ने, तेजस्वी लोगों ने इस देश को जागृत किया, संत महात्माओं ने जागृत किया। भारत में जब भी कभी परकीय आक्रमण हुए, भारत में जब भी कभी परकीय संस्कृति का बोलबाला होने लगा, तब उसका प्रतिकार सदा संतों ने किया। फिर वो चाहे दक्षिण से संत आए हों, आसाम से आए हों, पश्चिम से आए हों, पंजाब से आए हों, लेकिन विभिन्न रूपों में उन संत महात्माओं ने इस देश में हमेशा पुनर्जागरण किया। स्वामी विवेकानंद का नाम बापू ने भी लिया, उन्होंने भारत में नवजागरण का संदेश दिया था।
उसके पहले भी 1857 के युद्ध में भी इस देश के साधु सन्यासी गांव-गांव में रोटी और कमल लेकर जाते थे और स्वाधीनता का संदेश सुनाते थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम के भी जितने मूर्धन्य नेता थे वे सब आध्यात्मिक तत्व से ही प्रेरित थे। लोकमान्य तिलक, उन्होंने गीता का रहस्य लिखा कर्मयोग के नाम से। हर प्रकार से उन्होंने कष्ट सहे, निर्वासन सहन किया, देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन साथ ही साथ गीता के कर्मयोग का भी आस्वादन करते रहे और उसका निर्वचन करते रहे। महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी अनासक्ति योग पर लिखा, गीता उनके लिए भी परम प्रिय थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो युद्ध में भी प्रतिदिन ध्यान करते थे और गीता अपनी जेब में रखते थे। अनेक क्रांतिकारी हुए जो गीता हाथ में लेकर के फांसी के फंदे पर चले गए। इस दृष्टि से हम देखें तो भारत में आध्यात्मिकता ने ही हमें जीवन प्रदान किया। स्वाधीनता के पश्चात हमारी आशा थी कि आध्यात्मिकता का युग वेगवान होगा, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन आज भी हमारे देश में संतों के रूप में, महात्माओं के रूप में, भारतीय संस्कृति का, आध्यात्मिकता का जागरण करने वाले संतों की श्रृंखला मौजूद है। बापू उनमें से एक हैं जो राष्ट्रीय जागरयाम वयम, सारे राष्ट्र का जागरण करा रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बराबर कह रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोध। और उनके संदेश से और उपदेश से देश में धर्म का जागरण, देश में राष्ट्रीयता का प्रजागरण प्रभुत मात्रा में हो रहा है। बापू ने अभी अपनी कथा में कहा कि अयोध्या में भगवान शंकर को एक वर्ष तक रहने का निमंत्रण प्रभु राम ने दिया था। अब मैं आपको एक वर्ष तक निरंतर इलाहाबाद में रहने का निमंत्रण तो नहीं दे सकता, लेकिन दो वर्ष में कम से कम एक बार आप अवश्य इलाहाबाद पधारें, क्योंकि मेरी दृष्टि से प्रयाग सभी यज्ञों का स्थल है। जहाँ विशेष यज्ञ हो वो प्रयाग, दो नदियों का संगम हो वो प्रयाग, लेकिन जो यज्ञों से पवित्र भूमि है वो प्रयाग। तो जैसा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के उपदेश से सदा ऋषियों का, संतों का मेला लगा रहता था, वैसे ही इस प्रयाग में सदा संतों का आगमन और आध्यात्मिक विभूतियों का प्रवचन ये यहाँ प्रयाग में होता रहता है। आप इस प्रयाग के, इस यज्ञ भूमि के प्रमुख होता बने और हम लोगों का धर्म जागरण करते रहें, ये मेरी आपसे विनती है। हर एक यज्ञ और अनुष्ठान की सफलता के बारे में ये कहा जाता है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, सफल यज्ञ से वर्षा होती है। मैं जब यहाँ के लिए चल रहा था तो उस समय कुछ बूंदें पड़ रही थी और इस समय आकाश में बादल आ रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। इस सत्संग यज्ञ के ऊपर भगवान भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जैसे बापू की ने कथा में बताया कि जनक जी के यज्ञ में, जनक जी के सत्संग में बहुत से उसकी अजगर की, अजराजा अज की वो मुक्ति हुई, वैसे ही मैं समझता हूँ कि आपके इस सत्संग यज्ञ में हम में से भी बहुतों की मुक्ति होगी और अनेक प्रकार के दुर्गुणों से और अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से हम निवृत्त होंगे और धीरे धीरे आध्यात्म शक्ति की ओर प्रवृत्त होते रहेंगे। आप जैसे महापुरुषों का आगमन और हम सब लोगों का मार्गदर्शन, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं तो राजनीति में काम करता हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल से ये परंपरा थी कि जब भी कभी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो वो कहता था अदंडोस्मि, अब मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, मैं राजा बन गया हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उस समय राजगुरु धर्मदंड उसके सिर पर मारकर कहता था कि इस धर्मदंड से मैं तुझे अनुशासित करूँगा, ये धर्मदंड तुझे अनुशासित करेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज की राजनीति में आप जैसे लोग धर्मानुशासता होकर हम सब लोगों को दंडित करते रहे।
अर्थात सिर्फ खटखटाते रहें, ठकठकाते रहें और बताते रहें कि आचरण ठीक रखो, शुद्ध रखो, पवित्र रखो। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप अब अपने जन्मदिवस के संबंध में लखनऊ पधार रहे हैं, आप दीर्घजीवी हों, शतायु हों और हमारे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। नमस्कार, प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी जब परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के सत्संग में आए तो क्या थे उनके विचार? ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तेन नाकं सचन्त्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः शान्ति देवाः। परम पूज्य आसाराम जी बापू, यह मंच इस पर से मैं बोलूं यह मैं अपने को अधिकारी नहीं मानता हूं। क्या सज्जनता है, क्या साधुता है। मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोग वे आसाराम जी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ पर फरीदाबाद आप सभी के मध्य में इसलिए पहुंच पाया हूं, जब कांची के जगतगुरु शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी के बाद देश भर में अनेक स्थानों पर उसके विरोध में धरने और उपवास का आयोजन हुआ तो बिना किसी के कहने पर, बिना किसी के अनुरोध करने पर, बिना किसी के आग्रह करने पर जिस महापुरुष के दर्शन सामान्यतः दुर्लभ होते हैं, ऐसे बापू श्री आसाराम जी ने जानकारी प्राप्त करते ही के पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में जगतगुरु शंकराचार्य जी के गिरफ्तारी के विरोध में धरना और उपवास होने वाला है, उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि इस धरने में मैं भी सम्मिलित होने के लिए आऊँगा। और उनके वहाँ आने के कारण, तीनों दिन वहाँ पर उपस्थित रहने के कारण इतनी बड़ी संख्या में उनके भक्तजन वे भी उसमें सम्मिलित हुए कि जिस प्रकार का सार्वजनिक विरोध हम करना चाहते थे उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा बल और बहुत बड़ी ताकत उसमें प्राप्त हुई। उसी समय मैंने तुरंत कह दिया कि मैं अवश्य आऊँगा, आपके आकर के दर्शन करूंगा, आपके भक्तों के भी दर्शन करूंगा। और मुझे कल्पना नहीं थी कि यहाँ आने पर उनका ही मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा अपितु इन लाखों भक्तों का भी आशीर्वाद वे मुझे दिलवाएंगे। मैंने जैसे कहा कि सामान्यतः कोई राजनीतिक मंच होता है तो उस पर मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन यह मंच साधु संतों का मंच है, पूज्य आसाराम जी बापू का मंच है, और यहाँ पर तो मैं अपने को इन्हीं शब्दों में सीमित करूँगा कि मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापू जी का आशीर्वाद मिला और बापूजी के इस भक्त समागम का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाख लाख प्रणाम करता हूँ आपको और आपके द्वारा परम पूज्य बापू आसाराम जी को।
कल फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।